आप गजब देखिए आप राम रहीम को पार्टी छोड़ रही है इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं भाई साहब उनके पिताजी का स्वर्गवास बहुत साल पहले हो गया था उनकी पुण्य उनकी पुण्यतिथि कहाँ बननी है डेरे में डेरे में आप जा सकते हो क्या ना हरियाणा तो के बाहर बागपत गए तो किस बात की इमरजेंसी मनोहर लाल जी कितने बड़े सेलिब्रिटी आपको भी पता है कितने लोकप्रिय है हरियाणा इतने लोकप्रिय दादा मोदी जी शायद बारह मार्च को बदलते ना उनको कि पहली बात तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती और अगर सरकार बन गई किसी तरीके से तो हमारे दिल्ली में दो बैठे हैं वो इसको छह महीने में चल देते हैं वायरल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं इसका इफेक्ट क्या है परसेप्शन ये बनी है कि जिसको ये पप्पू कहते थे पप्पू तो कोई और है दुष्यंत हाँ। चौटाला को अपनी जमानत बचाने के लाले पड़े हुए हैं वो कह रहे पिछली बार से दो बार सीट आएंगी बीजेपी ने एक बात शुरू की है तीन दिन से चार दिन से आपने देखा होगा कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार होती है उनको शायद एक बात भूल गए कि इस देश में जो बदलाव का ट्रेंड सेटर वो भी हरियाणा ही है सतासी में भूल गए आप रामपिलास शर्मा के टिकेट के टिकेट की टिकट कट गई बताइए बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहा जाए आज की तारीख में एटलीस्ट हरियाणा में भाजपा के अडवाणी है वो और वो की गति प्राप्त हो गई कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा विकास हो जाएगा वरना अगर वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होते सर तो कोई चांस नहीं जाना आय सिंह सैनवा आदाब नमस्कार हम रोहतक में हैं और चुनाव हरियाणा का ख़त्म हो चुका है और आप सब लोग हेमंत सर को देख रहे हैं बहुत जगह पर तो आप लोग कह भी रहे थे कि हेमंत जी से बात करें कुछ लोग हमें मिले हरियाणा में उन्होंने कहा कि हेमंत अत्री जी से आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं तो हेमंत जी के घर पहुंच के हमने इनको आधे घंटे के लिए तो कम से कम किडनैप कर लिया <laughs> इनको हिलने नहीं देंगे तो ले लो ले लो कि जो लोकसभा चुनाव में ले लो ले लो कहा था कि हरियाणा में ले लो ले लो होगा उसके अपार सफलता के बाद हम विधानसभा चुनाव के पोलिंग के कुछ वक्त पहले हेमंत सर के साथ मौजूद है सर प्रचार तो खत्म हो गया हरियाणा में चुनाव बड़ा डल हो गया एंड में मतलब दो तो चार दस दिन थोड़ा लगा कि मतलब ठीक है लोगों ने मूड बना लिया या एक्साइटमेंट नहीं रही सर आठ नौ दिन पिछले बहुत सही पकड़ा आपने सौरभ भाई हकीकत यही है बत्तीस साल हो गए मुझे ये सब चुनाव करते हुए और तमाम चुनाव देखे और हरियाणा में कभी चुनाव नहीं होता हरियाणा में उत्सव जैसा होता है एक माहौल एक सेलिब्रेशन टाइप का बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार ना एक ख़ास तरह की लेथार्जी कहिए या एक थकावट कहिए hmm. या एक काइंड ऑफ सेचुएशन कहिए चुनाव में क्या होता है कि चुनाव का एक चाव होता है hmm. कि चुनाव आज पीक कर रहा है आज चढ़ रहा है आज फ्लक्चुएट कर रहा है इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव स्टेगनेंट हो गया है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह उस, उस तरीके का नहीं है एक जो जोश नुमा तमाम रैलियाँ hmm. भी देख रहे हैं आप तो जिस तरह के रिस्पॉन्स होते थे जिस तरह का लोग नाचते नाचते गाते बजाते सब आते थे वो इस बार मिसिंग इसलिए हो गया मुझे लगता है वरना दस में से आठ सीट आ जाती वो दो तीन सीटें जैसे गुड़गांव की बात करें आप करनाल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में इवन देखो बिल्कुल नैरो मार्जिन पर मामला फंस गया अदरवाइज अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा और समझदारी से उस टाइम किया होता तो ले लो ले लो तभी हो गया था तो मुझे लगता है कि उसकी जो कसर रह गई थी वो लोगों ने इस चुनाव में वो ले लो ले लो बराबर कर देना उसको पूरा हिसाब कर देंगे इस बार और वो आप लगातार देख रहे होंगे जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है आज आपने देखा रतिया में क्या हुआ आज पूर्व एम पी है रतिया में सुनीता दुग्गल जी से सही एम पी थी उनको रोक लिया उनको रोक लिया उनको घेर लिया और उनसे स्पेसिफिकली सौरभ भाई क्या सवाल पूछे जो इस चुनाव की टैग लाइन है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये सवाल हरियाणा के अंदर एक है तीन 378 दिन तक किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बोल्डर्स लगा करके रोकना ठीक था या गलत था तो आज उनसे पूछा ये सवाल सुनीता दुगल से किसानों ने घेर के कोई ऑफेंस नहीं है है। बड़ी तमीज से तहजीब से और वो वीडियो भी थोड़ी देर में आने वाला है तो वो कहते हैं कि नहीं गलत था वो हाँ, देखा वीडियो आ गया तो वो वो किसको कह रही थी वो, वो तो मोदी की नीति है, है वो तो खट्टर की नीति है और खट्टर उसको वाजी कहते हैं मेरी तो कि मेरी है तो खट्ट की ऐसी क्या परिस्थिति होगी तो आप गाँव में कैसे आओगे जो मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा था आज वो चीज स्टेब्लिश हुई हेमंत सर एक और बात है हरियाणा में सिर्फ किसान तो है नहीं किसान हैं गांव में हैं लेकिन बनिया भी हैं मैं किसान इसलिए कह रहा हूँ किसानों को जाति में मैं नहीं बांट रहा हूँ लेकिन क्योंकि किसान मैं जानता हूँ कि कुछ रोड किसान भी इनकी मौत हुई कुछ आ, सुने, सुने और सभी थे जिनकी किसान आंदोलन में मौत हुई लेकिन बढ़िया हैं अपर कास्ट हैं मैंने देखा फॉर फॉर दैट मीट रोड भी दलितों में भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो उनका रुझान अभी भी बीजेपी के साथ है ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि नहीं यार एक ने तो बोल दिया एक हमें मिल गए कुरुक्षेत्र में ही उन चाचा ने तो बोल दिया कि अरे वो तो खालिस्तानी थे वो किसान का था मैंने किसान आंदोलन नहीं है मुद्दा कह रहे वो खालिस्तानी तो ये भी हो रहा है यहाँ बात जितना किसान किसान होगा जितना किसान किसान होगा बीजेपी को लगता है कि एक नेता बोल रहे थे कि हमें उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि तो बहुत लोग किसान आंदोलन से नाराज भी हो गए सड़कें बंद थी तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि हमारे बिल्कुल अगेंस्ट में जाएगी हमें कहीं कहीं फ़ायदा भी हो सकता है नहीं इसको देखने का तरीका सौरभ भाई जो आपने कहा वो बात सौ परसेंट सच है आप मुझे ये बताइए कि ये तो किसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खत्म हो गया हरियाणा में आज की तारीख में भी बड़े से मरा तीस परसेंट का वोट बैंक खड़ा है ना भाई उसका उसको तो कोई क्लेम नहीं कर रहा था उस तीस में से बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे क्योंकि तो आप फील्ड को लगातार हिट कर रहे हो तब तो हमसे रिलीजियसली लोगों से मिल रहे हो एक न्यूट्रल बात लोगों तक तो पहुंचा रहे हो तो आपको सब तरह के लोग मिलेंगे वन वे ट्रैफिक कभी नहीं होता है मतलब सौ में से पांच आदमी तो हो सकता है आपको एन एल के कहने वाले भी मिल जाएंगे नहीं मिले, मिले, मिले।, मिले।, मिले। हाँ। जेजेपी के तो नहीं मिले सर ईमानदारी से बता रहा हूँ मुझे मैं ऑल रिस्पेक्ट टू जेजेपी एंड दुष्यंत चौटाला मुझे जेजेपी का समर्थक ही नहीं मिला सर यही बात हम कहा करते हैं कि रह जाओगे दुष्यंत चौटाला के सर मतलब सोचिए मतलब तो खुल के बात हो रही है आप तो मतलब तो मुझे आईएनएलडी वाले भी मिल गए सर एकाद आमादी पार्टी वाले मिल गए जे का को तो कोई मिला ही नहीं दुष्यंत चौटाला का तो मतलब मोहब्बत करने से लगा कि ये जो दुष्यंत चौटाला एक नए फैक्टर थे पिछले चुनाव में एक लगा कि एक नया हरियाणा में नेता आया है उसकी ऐसी दुर्गति इस चुनाव में हुई अभी तक तो नतीजे जो बताएंगे कोई नाम लेवा नहीं है जे का नहीं उसका कारण देखिए ना आप क्या है हरियाणा का आदमी सौरभ भाई हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है वो पीठ में छुरा नहीं बर्दाश्त करता आप मुझे ये बताइए कि जे किस कहा से बनी आई से बनी आईएनएलडी की खोज किसने की ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनके पास लीगेसी किसकी है चौधरी देवीलाल की मुझे ये बता दीजिए उन्नीस से लेकर के राज दो हजार चौबीस है कभी भी उनकी पार्टी चौधरी देवीलाल हुए ओम प्रकाश चौटाला हुए अजय चौटाला हुए अभय चौटाला हुए कोई एक इंस्टेंस मुझे बताइए कि वो कभी कांग्रेस के साथ खड़े हुए वो हो ही नहीं सकते उनकी पूरी सियासत जो है कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ है बीजेपी के वो नेचुरल लाई उसके बावजूद भी दुष्यंत ने ऐसा क्या पाप किया

बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे और चौधरी देवीलाल का जो वोट बैंक था एक खास किस्म का ग्रामीण जो भी भी तो तमाम उसमें दलित भी कुछ वो सारे के सारे के में द पार्टी दिया, वोट। 14 .90 वोट दिया भाई थोड़ा नहीं था पंद्रह करीब ऐतिहासिक है वो एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज है सौरभ वो छोटी चीज नहीं और दस सीट आ गई गजब देखिए कि उन दस के दस में से अगर उनको और उनकी माता जी को छोड़ दिया जाए तो उनकी पार्टी का तो कोई कार्डर नहीं था बिल्कुल कौन लोग थे? आई के लोग थे नहीं आई एन एल डी का चलो उनका ही था देवीलाल वो जो लोग थे वो जो कांग्रेस में नकारे जिनको टिकट नहीं मिली टिकट नहीं मिली बीजेपी की टिकट नहीं मिली बबली टाइप्स लोग और बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें से कोई भी आदमी जेजेपी नेलो की टिकट नहीं मांग रहा था वो बीजेपी के इनके जो रिजेक्टेड एक तरीके से प्रत्याशी थे वो चुनाव वो जीते उसके बाद जिस तरीके से जिन हालात में बिना मांगे बिना मांगे इस वर्ड जो दुष्यंत चौटाला अमित शाह के घर बैठ करके अनुराग ठाकुर के साथ वो समर्थन उनके पैरों में रखे आए हरियाणा का आम आदमी उसको आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया बिट्रेल लगा बिट्रेल। वो अगर पहले उन्होंने अगर वो ना भी कहते यमुना पार ना कहते तो कोई शू ही नहीं था पता लग जाता कितनी वोट मिलती आज अमय सिंह चौटाला क्या हालत देखिए स्थिति को एक वाइडर कैनवस पे देखिए जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे आपने फील किया पल्स अबे चौटाला का स्टेट जब शुरू में चुनाव डिक्लेर हुआ तो कमजोर था एकदम पीक हुआ उसके बाद एक घटनाक्र होता है Audio. जो गोपाल कांडा है गोपाल कांडा को बीजेपी किस लिए बुलाती है दिल्ली अलायंस करते हैं दो तीन सीटों पर वो जाते दो दिन लगाते उसके बाद वो यहाँ आते वापस सिरसा में और वो घोषणा करते हैं कि साहब हमारा गठबंधन जो है आई के साथ

बहुत सारे आप जैसे साथियों ने पूछा कई साथियों ने हमारे तो वो बेचारे अवॉइड करते हैं सवाल को एक साथी ने बहुत ज्यादा प्रेस किया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो जबरदस्ती हाँ भी कर ली हाँ। लेकिन हकीकत देखिए हरियाणा के लोग इस बात को आज जब स्टेज पर जब आप चुनाव को वर्टिकली डिवाइडेड देखते हैं ना बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी वो इस बात को ये देख रहे हैं दो तीन घटनाक्रम हुए बहुत छोटे छोटे एक ये गोपाल कांडा वाला हुआ उसके बाद एक घटनाक्रम आपको और याद होगा चुनाव से जस्ट पहले जेपी दलाल ने लोहारू में क्या कहा कि पहली बात तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती और अगर सरकार बन गई किसी तरीके से तो हमारे दिल्ली में दो बैठे हैं वो इसको छः महीने में चल देते हाँ ये शुरुआत बोल दीजिए वायरल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं इसका इफेक्ट क्या है आपने फील्ड में पल्स फील किया बिल्कुल लोगों ने कहा मतलब आज मुझे कुछ लोग मेरे बोला कि अरे भाई चौटाला ने वोट देना है तो मतलब सीधे मोदी को ना दे दें ये हरियाणा के व्यक्ति को सिर्फ एक आदमी कंधे से ऊपर कमज़ोर मानता था उसका नाम है मनोहर लाल Hmm. उसके अलावा हरियाणा के आदमी को कंधे से ऊपर कम हम साधारण लोग हैं हम सरल लोग हैं लेकिन हमें घोषित तौर पे मूर्ख साबित करना या को, करने की कोशिश करना को ये मनोहर लाल जी ना केवल उसकी कीमत चुका रहे हैं आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे मनोहर लाल जी बैंकेट हॉल्स में होटल्स के अंदर बंद कमरों के अंदर बड़ी भारी रैलियां हो रही हैं उनकी आज जो मोदी जी का हाल हो रहा है देश के स्तर पर या हरियाणा में आपने देखी कुरुक्षेत्र की रैली तीन हजार कुर्सियाँ थी भाई साहब दो हजार लोग खड़े हुए थे फिर आपने ये गौ वाली रैली देखी होगी एग्जैक्ट दस हजार खुर्सियां थी और मोदी जी की आपको रिवाड़ी रैली याद होगी पंद्रह सितंबर दो हजार तेरह बहुत जबरदस्त सौतःस्फूर्त बहुत तो ये जो चीज थी ना जो जेपी नंदलाल ने जो कहा उसने क्या किया उसने तो अपनी जिस भी हवाबाजी में अहंकार में जिन भी कारणों से या हो सकता है उसको अंदर की खबर भी होगी स्वाभाविक है मंत्री है भाई वित्त मंत्री उसको हरियाणा के किसानों ने कैसे लिया हरियाणा के लोगों ने कैसे लिया कि हमारे जनादेश को आने से पहले ये डेती डालना चाह रहे चाहे ये दो घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है इसको याद रखिएगा आप जिस दिन चुनाव बिल्कुल 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 तो ये सारी चीजें जुड़ती जाती है उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो कम नहीं हो रहा है मनोहर लाल जी ने में क्या किया आपने देखा भगा भगाकर्ता को भगा कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ कैंडिडेट हारेगा लेकिन बीजेपी फीड आप फीडबैक लेने आए हो वो फीडबैक दे रहा है भगा दिया उसको उठा के कैथल में गए एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है जी कितने बड़े सेलिब्रिटी आपको भी पता है कितने बारह मार्च को बदलते ना उनको। दिन में, तो और रहे में याद होगा और शाम को मनोहर लाल जी की बाइक छीन ली बताइए मुझे तो बड़ा दुख हुआ और अब वही मनोहर लाल चुनाव प्रचार के दौरान कोई एक वर्कर सेल्फी लेना है आप इज्जत से भी तो कह सकते थे क्या है स बीजेपी का ये बात समझ में आ गया कि हरियाणा में लोगों को कुछ चाहिए ना चाहिए इज्जत चाहिए बर्दाश्त नहीं, नहीं करता पीठ में छुरा बर्दाश्त नहीं करता धोखे से याद आया सर कि वो शैलजा जी का नाम याद आ गया जैसे हमने धोखा बोला मुझे शैलजा जी याद आ गए तो जो शैलजा जी के साथ धोखा तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन जो राजनीतिक उनका कहा जाए राजनीतिक तौर पर उनको कमज़ोर किया हम सामने हमें और आपको पता है अंदर की सारी बातें कि कितना नाराज़ हो गए शैलजा जी हमारे इंटरव्यू में कहा कि हमारा दिल बहुत बड़ा है पर बहुत दिल दुखता है उनकी जो समर्थक उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी और बुल, बुल, मैं सीधे कहूँ हुडा साहब ने बुलडोज कर दिया टिकटों में मतलब और जो जो उनके लोग टिकट नहीं पा पाए वो निर्दय लड़ रहे हैं चित्रा सरवरा हो या और मैं नाम आप जानते हैं सब तो धोखे सर ये बात भी तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए तो करिए ना क्या लगता है आपको इसका क्या असर जमीन पर अगर सौरभ भाई इसको अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखेंगे आप कांग्रेस नब्बे की नब्बे सीट तो नहीं जीत रही बिल्कुल नहीं जीत रही नब्बे में से अस्सी भी नहीं जीत रही बिल्कुल नहीं जीत रही प्रत्याशी भी तेरा गलत बांटे बिल्कुल गलत बातें वो तो मैंने ना आपने तो बांटे नहीं बिल्कुल भी आपने गलत बांटे होंगे कुछ मैंने बांटे हुए कुछ आई हाईकमान ने भी बांट दिए होंगे ऐसा एक सवाल मैंने दो में आपको याद हो सोनिया जी ने लंच पे बुलाया था जब हम कांग्रेस कवर करते थे तो गए मल्ले बात कर मैंने उनको ऐसे ही कह दिया मैडम हरियाणा में तो कांग्रेस डिफीट्स कांग्रेस लंच कर रहे थे टेबल सारे जर्नलिस्ट थे कांग्रेस फीट के हम थोड़े साइड में बैठे थे तो आई हर एक टेबल पर तो आ रही थी सो उन्होंने कहा सोवे पैन फिर अभी मैंने अगला सवाल पूछा कि मैम आपने जो लोकसभा के कैंडिडेट दिए हैं तो बड़ी कैजुअली उन्होंने कहा कि आर वी गेटिंग टू गेट इट ये एक सोच का वो है कुछ टिकटें उधर भी गलत बैठी होंगी कुछ टिकटें उधर भी गलत बैठी होंगी कुछ जो निर्मल सिंह की टिकट है क्या आपको लगता है शैलजा ने विरोध नहीं किया होगा बात किया क्या जो आपने अंबाला कैंट में गलत टिकट आज दी है क्या उड्डा साहब ने उसका विरोध नहीं किया होगा है है। जो बल्लभगढ़ की टिकट है, है क्या है वो कहाँ से आई वो आला कमान से सबको पता है कहाँ उनकी क्या लोकस है

बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे हरियाणा में आज भी इज्जत करते हैं जो मनोहर लाल को आज भी नहीं जानते होंगे नायब सिंह सैनी को तो चालीस परसेंट नहीं जानते होंगे नायब सिंह सैनी को नहीं जानते मुझे मिलेगी मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसमें कोई बहुत अतिशोक्ति नहीं या कोई बहुत मानता नहीं लेकिन ऐसा है, है, है। लेकिन उन पूरी परिस्थितियों के अंदर भी जो हालात बने ना जो बीजेपी ने भी कौन से सारे टिकट ठीक दे दिए बीजेपी में भी जो तुम पैदा हो रही है बिल्कुल हो रही है तो ये नेशनल पार्टीज में देखिए तमाम तरह की कंसिडेशन होती है शैलजा ने क्या कहा उड्डा ने क्या कहा वो एक है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक मानना है कि आदर्श परिस्थितियों में जो कि इस देश में ना है ना हो सकती है yeah. राजनीति के अंदर स्पर्धा है आपका अपना है मेरा अपना है सबका अपना है वहां पर जो एक बार जब टिकट मिल गया उसके बाद टीका टिप्पणी से सबको बचना चाहिए अगर आप पार्टी के हित की सोचते हो तो इट इज फॉर एवरीबडी एंड इट इज फॉर एवरी पार्टी अगर कोई एक भी व्यक्ति बोलेगा तो मान के चलिए कि वो पार्टी का नुकसान कर रहा है।, है अब ये वो उसका फायदा नुकसान क्या है पार्टी क्या सोचती है ये उस पार्टी का काम लेकिन कांग्रेस पार्टी परफेक्शन से चुनाव लड़ रही है ये तो अपन दोनों ने कभी नहीं कहा बिल्कुल नहीं कहा आपको सर मैं परफेक्शन वाली बातें मुझे लग आपको क्या लगता है भूपेंद्र हुडा जी प्रिवेल करते हैं सबसे ज़्यादा उनके चलती है और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता पत्रकार के तौर पर आप कुछ चीज़ें विदहोल्ड करते हैं और कुछ चीज़ें बोलते हैं मैं कुछ चीज़ें विदहोल्ड कर रहा हूँ जब चुनाव खत्म होगा और जैसे आप और हम दोनों लोग लगता है कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पर सरकार बना लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र जी फिर बुलडोज कर देंगे या फिर अला कमान कहने के लिए तो आला अभी तो अभी तो यही कहना है कि अला कमान निर्णय लेगा लेकिन आ तो लग रहा है कि चौथी बार फिर से एक बार भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाओगे यही कहा जा रहा है दिस इज़ ए पॉपुलर परसेप्शन यू एन मी कांट स्टॉप इट हाँ हाँ बिल्कुल कहू नो बेडी कैन नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते भाई साहब आप ये देखिए कि एक चीज का नाम कट रही है बाकी तो आप कुछ भी कर लो यहाँ को मन को <laughs> नहीं, नहीं, कोई मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनाएंगे नायब सिंह सैनी के समर्थक भी कहते हैं और अमित सिंह चौटाला अकेले ही कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूगा इसमें क्या परेशानी कह दे रहा है दुष्यंत चौटाला को अपनी जमानत बचाने के लाल पड़े हुए हैं वो कह रहे हैं पिछली बार से तो ये तो भाई साहब मुंह के आगे मैदान है सौरभ भाई कोई भी कुछ भी कह सकता है दैट इज़ नॉट एन इशू इशू इज अबाउट द वे समथिंग इज आर्टिकुलेटेड वेदर मैं कह रहा हूं कि सौरभ मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें किसी को परेशानी नहीं या तक तो मैं आपका समर्थक हूं मैं कह सकता हूं मैं ये कहूंगा उसको नहीं बनने दूंगा ये प्रॉब्लम है नेगेटिविटी वहाँ आती है हाँ मतलब मैं सीधे बोलता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं किसी से को पूछा कि भूपेंद्र सिंह कौन बन रहा है मुख्यमंत्री अजय भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन रहा है हमने बोला कि क्यों शैलजा जी भी तो कह रही है कि वो भी तो मुख्यमंत्री उनके भी एम्बिशन से क्यों नहीं बन सकती अरे भाई शैलजा कौन है शैलजा कौन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सही है ये ये यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है यहाँ का आदमी छुपाता नहीं आप किसी ये भी तो पूछो ना ऐसे ही कैजुअली जब जाओगे आप फील्ड में अब यहाँ से निकलोगे यार खट्टर को बड़ा अरे अरे भाई बावड़ा हो थे <laughs> तो ये मैप का, की उनकी बेल्ट में आपने दिखाया के अंदर। हाँ। भाई मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री ऑल्सो उसका उसके ग्रह क्षेत्र में ग्रह क्षेत्र इन देंस वो वहां पैदा हुआ नारायणगढ़ कुरुक्षेत्र के एमपी रहे उनका जो विरोध मैंने देखा हाँ उनका उनका अद्भुत है मुझे लग रहा है सर उस सीट में मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि उस सीट में सिर्फ एक फैक्टर है जैसे वो जीत सकते हैं मतलब वह चीज फंसी हुई है कि वो सीएम की कॉन्स्टिटुएंसी है कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आई तो ये मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा विकास हो जाएगा वरना अगर वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होते सर तो कोई चांस नहीं जाना आय सिंह सैनी के लोगों की टिप्पणियाँ सुनी आपने दिखाई तो आपकी आई देखी थी क्या कह रहे थे कि हमारा एमपी था पाँच साल में आया नहीं पाँच साल में नहीं आया ये कोई छोटी बात होती है क्या और एक और चीज़ सर मैंने देखी है कि यहाँ पर हरियाणा में ना इस समय एक और चीज़ जो बीजेपी के बहुत अगेंस्ट जा रही है मुझे पता ही होगा उनको वैसे तो चुनाव खत्म हो गया धान पड़ा हुआ है मंडी में पड़ा हुआ है और पहले बोला था कि तेईस सेप्टेम्बर को खरीद करेंगे बोल अक्टू, अब बोल रहे हैं एक अक्टूबर से शुरू किया लेकिन बीच में चार पाँच दिन पानी हो गया अब पानी गिर गया सर धान गीला हो गया अब बोलते हैं कि हम 17 परसेंट मॉस्चर लेंगे तो कहाँ कहाँ किसान कहाँ जाए तो उसकी तो गलती नहीं है कि कल बारिश में गीला हो गया किसान की त्रासदी सौरभ और है क्या यही तो त्रासदी है आपको नहीं पता था कि धान इस बार अगेता भी है आपने जब लेना है तो उसकी व्यवस्था करते हर साल कितने टन गेहूँ हरियाणा में हजारों टन बारिश का फॉरकास्ट होता है सारी बात होती है मुझे आपको गूगल में पता होता है कि बारिश कब होगी बिल्कुल होने वाली है सरकार को नहीं पता होता वो गेहूँ भी उगाया जाता है भाई वो गेहूँ कितनी तपस्या से उगाया जाता है ये जो धान सड़क मंडियों में जो गीला हुआ है ये किसकी मार है अगर उस किसान का टाइमली आप खरीद देते हैं एम पे आप क्या कह रहे हो हम तो चौबीस फसलें खरीद दिए एम पे उन में आदी तो होती ही नहीं हरियाणा में संख्या बढ़ाया जाए सौ कह दो यार फिर चौबीस क्यों कह रहे हैं गाँव हरियाणा में सौ तक छोटी भी क्यों झूठ बोलते हो बड़ी बोलो दिक्कत क्या है सबसे बड़ी कि किसान ने जो तपस्या करके आज आपकी उसकी लागत देखी पेट्रोल डीजल पूरी मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में कितने सस्ते हैं आपको चवन्नी का वही क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ठीक कोई बोल रहा है इस बात को आपके पेस्टिसाइड्स का रेट आपके सीड्स का रेस्ट आपके जितनी भी चीज़ें इनपुट्स कॉस्ट जो है और उसके बावजूद भी आपके ये दावे के हम चौबीस खरीद रहे हैं और उसका बेचारे का मंडी में भीग गया उसका दोष है सरकार का दोष है या अथॉरिटीज का दोष है झेल कौन रहा है और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ अगर उसमें खुशहाली आती है तो देश के सारे वाइटल पैरामीटर्स जो सोशल डेवलपमेंट के हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या वो मजबूत नहीं होंगे आप वो भी नहीं चाहते क्या वो मजबूत हो ये कैसा शासन और ये हर साल हो रहा है ये आज नहीं हो गया मुझे ये ये मुझे किसान वो किसान मिले जो आ... परंपरागत परंपरा तौर पर बीजेपी के वोटर था कह रहे थे इस बार बीजेपी को नहीं जिटी रोड बेल्ट धान की बेल्ट है ना बिल्कुल जी रोड में जो बीजेपी के लिए स्ट्रॉग होल्ड कह रहे थे रोड स्ट्रॉंग होल्ड है बीजेपी का इस बार बहुत डेंटाई दो हजार चौदह के अंदर सौरभ भाई इक्कीस में से इक्कीस सीट थी कल्पना कीजिए दो हजार उन्नीस के चुनाव में बारह सीट थी और आज वहाँ के किसान मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा का आपने पूरे नब्बे देख ली मोटे तौर पर ब्रॉडली एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कंसर्न से भी नहीं गया फार्म भरने के बाद उसका नाम वो बृजेंद्र सिंह गुड्डा उसके अलावा कोई एक नेता मुझे बताओ सबने मेहनत सबने बहुत मेहनत क्योंकि वो सारी बाकी पहन उसमें कर रहे हैं मनोहर लाल तो दो बार तो एमएलए रहे करनाल के आज एमपी हैं देश में आठवें नंबर के केंद्रीय मंत्री हैं बिल्कुल 8वें नंबर के इन ऑर्डर ऑफ बिल्कुल एंड एंड ही इज होल्डिंग अर्बन डेवलपमेंट पावर दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अडानी के सबसे प्रिय दोनों महकमें एक ऑलरेडी है मनोपल्ली दूसरे में करने जा रहे हैं कितनी बार देखे आपने कहा प्रचार किया अंदर कुछ में बार। वो बंद कमरों की रैलियां जो है नहीं। इस बार नई शैली आई है वो हो रहा है तो इसका मतलब समझिए आपके जी रोड बेल्ट पे आपको प्रचार करने में खास है भाई क्यों नहीं जा रहे आप? आपने तो चौबीस फसलों का समर्थन मूल्य भी दे दिया खरीद भी रहे हैं आप तो ये जो धान पड़े हैं ये सौरभ शुक्ला के पड़े क्या उसमें आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है क्या यह देखिए दावा एक बात है और सच्चाई दूसरी बात है क्या प्रशासन जिसको एक तारीख की बात फिर सबको पता है भाई अगेती फसलें आएंगी क्या वो व्यवस्था नहीं हो सकती थी अगर वो नहीं हो सकती थी क्यों नहीं हुई वो इज अकाउंटेबल और आप ये फिक्स नहीं करते फिर आप कौन से सुशासन की बात करते दस साल के बाद जो भी प्रचार आप देख रहे हैं मोदी जी आए तमाम आए सारी बात कोई एक अचीवमेंट पे आज तक वोट मांगा है किसी पोर्टल पे वोट मांगा मुझे बड़ा बड़ा हंसी कि हंसिया सौ रुपये कर देंगे आ, अब भाई तुमने चा, स, चार सौ तुमने किया ग्यारह सौ और फिर आप कह रहे हो पांच सौ मतलब आपने चार सौ ग्यारह सौ किया फिर कह रहे हम पाँच सौ कर देंगे मतलब ये मुझे थोड़ा सा हास्यात्म लगता है सौरभ भाई हरियाणा में कर दोगे जो बाकी स्टेट्स है बीजेपी रूल वहाँ भी कर दो ना जहाँ पे ऑलरेडी भाजपा का शासन है यूपी में भी है वहां कर दो कौन रोक रहा है आपको ये किया किसने था आपका वाजिब सवाल किया भी आपने पूरे वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम नीचे गिर रहे हैं आप बारह सौ सिलेंडर ग्यारह सौ बेच रहे हो आप पेट्रोल उसी भाव में बेच रहे हो आप डीजल उसी भाव में बेच रहे हो रोज़ खबर प्लांट करा देते हो चार रुपये तेल घटेगा तीन रुपये घटेगा चवनी नहीं घटी तो इसको समझने की जरूरत है कि ये खास तरह की एक मशीनरी है लेकिन हरियाणा का आदमी इस बार चुनाव में ये बात समझो आपने जो शुरुआत में बात कही ना कि हरियाणा का चुनाव इस बार

क्या लगता है आपको कम आए बिल्कुल क्यों आए उनको पता है उनके पास सारी एजेंसियों का फीडबैक है इंटेलिजेंस का फीडबैक है तमाम तरह की चीज़ें तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समझ रहे हैं आपको क्या लगता है जब आपके यूपी में चुनाव था तो अमित शाह कैसे कैंप करते हैं वहाँ पर यहाँ कैंप किया एक नहीं क्यों ये स्टेट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है ये बड़ी बड़ी स्टेटों को पानी पिलाता है हरियाणा हरियाणा दिल्ली का बफर स्टेट है बफर सेट है मैं, और मैं बता रहा हूँ हरियाणा में लोग सबसे ज्यादा पॉलिटिकल है हाँ, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा बीजेपी ने एक बात शुरू की है तीन दिन, दिन से चार दिन से आपने देखा होगा के कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार होती है शायद बात भूल गए कि इस देश में जो बदलाव का ट्रेंड सेटर वो भी हरियाणा ही है सतासी में भूल गए आप बदलाव हमेशा यहाँ से शुरू होता है दूसरा दिल्ली का बफर स्टेट है तीसरी कल्पना करके देखिए जिस दिन हरियाणा में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है और जब ये बॉर्डर खुल जाएंगे दिल्ली का क्या होगा बॉर्डर तो कांग्रेस तो आती ही खोलेगी खोले क्या होगा दिल्ली का मोदी जी तो लोगों के आने से डरते सोना को डरतेन कर लिया उनका आपको क्या लगता है एज ए जर्नलिस्ट उनका स्वागत नहीं होना चाहिए था जो आदमी ले से चल के आ रहा है आपने उसको थाने में दे दिया है ये लोकतांत्रिक वैल्यूज है आपके तो ओवरऑल जो ये आप क्या सोच रहे हो जो उनको पकड़ लिया है उसका हरियाणा में इम्पेक्ट नहीं है

वो जो मार्केट में तो उसे पूछते जा रहा है भाई कहाँ दे दिया है जुटे जुट बोले ये बात बोल रहे हैं तो ये जो आप ग्राउंड पे फील करके आए ना ये लगातार हमारा यहाँ पर जो भी हम छोटे मोटे मूवमेंट की मैं भी गया था कैथल नरवाड़ा उस बेल्ट में हिसार गया था मैं जींद गया था तो उचारण का तो मैं आपको बताऊँ तो आप हैरानी रह जाएंगे वो तो जब लोकसभा के चुनाव से पहले भी एक बार ऐसे ही विजिट किया मैंने तो तब कह रहे थे मतलब दुष्यंत को तो हम देखेंगे अब दुष्यंत के तो बड़ा मुश्किल है उचारा में गया था वहाँ कुछ निर्दलीय अच्छा कर रहे हैं मतलब, मतलब मत, मैं नाम नहीं तो, लूंगा लेकिन कुछ निर्दलीय अच्छा कर रहे हैं वहाँ आज की तारीख में हरियाणा में स्थिति क्या होगी उसको भी समझिए आप कि किसी कारण आप काले चोर को वोट दे देंगे एक चीज लोग इंश्योर करेंगे बीजेपी को वोट ना चली जाए खासतौर पर रूरल में हाँ रूरल इसका रूर, मतलब रूरल। ये नहीं है कि शहरों में वोट नहीं मिलेगी अर्बन में अर्बन में बीजेपी को वोट मिल रहा है लेट वी नॉट बी मिस इट आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर रूरल के अंदर पीपल आर पर्सनली इंश्योरिंग और 62 टू परसेंट आबादी रूरल की है दूसरी बात सौरभ जी याद दिला दो आपके दर्शक साथियों के लिए दो का चुनाव देखिए आप मई में लोकसभा हुआ छप्पन पॉइंट सिक्स परसेंट बीजेपी की वोट आई थी छप्पन छप्पन अक्टूबर कम अक्टूबर छत्तीस विधानसभा छत्तीस इस बार तो चवालीस ही है बीस छोड़िए दस गटगी तो वे डू स्टेट दस पे आ जाओगे क्योंकि तो 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 मुकाबला आपने सामने है मुकाबला आमने सामने जब वर्टिकल मुकाबला होता है ना तो ना तो राइज की सीमा होती है और ना फाल की सीमा होती है 62 जो आबादी है रूरल की वो आपको एक तरीके से एलिनेट कर चुकी है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर बीजेपी और कांग्रेस वो जो वर्टिकल डिविजन और पोलराइजेशन होता था इस बार दैट इज मिसिंग कम्प्लीटली अर्बन रूरल डिवाइड आप नहीं कर पाए नहीं। किसान बनाम अन्य नहीं कर पाए जाट बनाम नॉन जाट नहीं कर पाए जाट बनाम दलित नहीं कर पाए कोशिश बात की मोदी जी कल भी कह के कांग्रेस दलित विरोधी है सौरभ दलित विरोधी ही ये तो ठीक है मैं दलित प्रेमी कैसे हूँ मैं ये भी तो बता दूँ मुझे लग रहा राहुल गांधी ने वो वो राहुल गांधी का एक मैं मैं चूंकि उनकी जो पहले दिन यात्रा थी कुरुक्षेत्र और इधर उधर मैं था वहाँ पे और वहाँ पर रविदास मंदिर है मैं वहाँ गया था मैंने पूछा लोगी कि भाई ये शैलजागर भाई शैलजा जगह ठीक ना हुआ पर ये 400 सीट लाते संविधान बदल देते राहुल गांधी जो है मोदी चार बार कपड़े बदलते हैं राहुल गांधी एक टी शर्ट पैंट पहन पैं के घूमता है, है वही घूमता है तो अब भले ही टी शर्ट कितने की कितने रुपए की भी हो अलग बात है मतलब वोटर सर बट राहुल गांधी का ये एक काम मैंने देखा राहुल गांधी को क्रेज है लोगों का, देखने का। ये बनी है कि जिसको ये पप्पू कहते थे पप्पू तो कोई और है हाँ वो जो प्रोजेक्शन इस बार सर मैंने देखा कि पहली बार मैंने वो तो देखा दो हजार चौदह के इलेक्शन में ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि राहुल गांधी बोलने आते थे तो और लोग चले जाते थे क्योंकि, क्योंकि भीड़ लाई जाती थी उनको लगता था कि राहुल गांधी बोल रहे खत्म होने पहले ट्रैक्टर आज देखा कि धक्का धक्का दे के मतलब क्या देखना है बोलना है बोलना है बोलना है मतलब लोगों की रैलियों में नहीं है भाई मुख्यमंत्री की किसी रैली में इतनी भीड़ दिखा दीजिए मुझे जो कॉर्नर मीटिंग में नहीं मुझे लग रहा है कि इस बार भीड़ सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा <laughs> में ही हुई और मुझे कहीं ज़्यादा <laughs> कोई भीड़ नहीं तो उस तरह की चीज़ नहीं थी आज उसके विनेश की एक कंस्टिसी की रैली थी देख लीजिए आप आप तो देख के आए सारी चीज तो ये एक पॉपुलर परसेप्शन बनी हुई है इसको अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तोड़ पा आप गजब देखिए आप राम रहीम को पार्टी छोड़ रही है एमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं भाई साहब आपकी सेहत खराब होगी

बदल दिए लिए 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 लिए। एक अब उसने एमरजेंसी पेरोल बनाई तो सीईओ हरियाणा ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी आज ये कहा शाम को कि साहब इसके रीजन बताइए क्या प्रेसिंग रीजन है जो इसको चाहिए तो बता दिया इन्होंने तो यहाँ से ये दो प्रेसिंग रीजन जो मैंने बताए गए उसके बाद वहाँ से मैसेज आना था उसके बाद डिविजनल कमिश्नर को फैसला करना था और मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि किसी कीमत पर राम रहीम तीन तारीख से पहले बाहर नहीं आ सकते इतनी फॉर्मेलिटीज़ है मैंने कहा साहब क्या फॉर्मेलिटी तो उन्होंने कहा कि बागपत का डीएम

आज तक वो ग्यारहवीं बार पैरोल पे, पे निकला है 2020 में ही वाज एलिजिबल फॉर हाँ। पैरोल सत्रह में सजा हुई थी 20 में एलिजिबल उसमें से सातवां मौका है वो चुनाव के समय निकला है लोकसभा चुनाव से पहले पचास दिन के लिए निकला था सातवां सातवां मौका है ग्यारह मकों पर सातवीं बार अब उसका ताजा सुन लीजिए आपने तो कहा बड़ा महान लोकप्रिय है बीजेपी तो इसलिए लेके आई बदनामी की कीमत पर भी लेके आ रही है इस चुनाव में हम क्या कहते हैं उसकी कहाँ पर स्ट्रेंथ है सिरसा फतेहाबाद कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा यही स्ट्रेंथ उसकी कोर एरियस सिरसा में एमपी कौन है हमारे जा अंबाला में एमपी कौन है मुलाना जेपी मुलाना, मुलाना 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 वरुण वरुण कांग्रेस दोनों सीटें किसकी है राजस्थान के बॉर्डरिंग एरिया जो अपने हरियाणा के हैं वहाँ पर माना जाता है कि बाबा का बड़ा भारी बड़ा बड़ा रोल है वो सारी सीटें किसके पास है लोकसभा की कांग्रेस इससे पहले 2022 में जो पंजाब का असेंबली चुनाव हुआ अंदर खाने सब कुछ था बीजेपी की तरी सीट आई बंगाल आपने स्वीप कर दिया पंजाब में क्या हुआ बीजेपी कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है हरियाणा के अंदर इस बार महिला पहलवान जवान और किसान तीन ही तो और महिला पहलवान आइसोलेशन में नहीं है महिला एज ए वर्क बेटी का सम्मान बेटी का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी और चुनाव की एन कीध्या पर यही काम आप दस दिन पहले कर लेते हालांकि किया था दो सितंबर को ही वापस आया है वो पैरोल से हाँ हा। दोबारा दे दे ये जो ताजा आज वो गया है वो इनकी मदद करेगा क्या ये तो मुझे नहीं पता लेकिन वो दूसरा जो पक्ष है उसको एक बहुत बड़ा एमिनेशन मिल गया महिलाओं को कि देखिए बाज नहीं आ रही तो जब आप गलती करने चलते हैं ना वो कहते हैं कि जब खराब वक्त हो तो ऊँट पे बैठे व्यक्ति के साथ भी तो बीजेपी के साथ भाजपा खुद ही कर रही है ये हमने थोड़ी सलाह दी उनको कि पापा को छोड़ दो दो तारीख को आया ये वो तो

के। सर ये सारी परिस्थिति है सर मज़ा आया <laughs> अगर आपने चुनाव नहीं देखा फॉलो नहीं किया हरियाणा का तो आपने कुछ कुछ मिस नहीं किया है हेमंत सर खुद इंस्टिट्यूशन है हरियाणा के और हम लोगों ने सारी बातों पर चर्चा कर ली मोर और लेस बाकी जो चर्चा करनी हो तो आप सिर्फ जाके हेमंत अत्री टाइप कर दीजिएगा यूट्यूब में सर कहीं ना कहीं दिख जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो वेरी मच आपने रोहतक में टाइम दिया है कि हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया